अच्छा नल। और भाई आज मॉर्निंग नहीं आ, सीधे शाम हो गई है क्योंकि सुबह से हम लोग शूट कर रहे थे कांति भाई का, आरफ, फयाज और मैं। और फयाज अभी चला गया, आज मजलिस है, रात भर वहीं पर रहने वाला है। और आरफ यहीं है, शूट करके फ्री हुए हैं जस्ट, ये किसी से मिलने चला गया था, अभी आया है। तो आज बहुत टाइम बाद मिक्की ने इनवाइट किया घर पे सारे फ्रेंड्स को, काफी टाइम से हम लोग बैठे नहीं है, कार्ड्स नहीं खेले हैं, तो आज हम लोग मिक्की के घर पे जाने वाले हैं। इधर आरफ, हाय आरफ, हाउ आर यू? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। कल जब ये यमी व्लॉग देखेगा ना तो वो बहुत डांटने वाला है क्योंकि उसकी नई वाली शर्ट मैंने पहन ली है, उसको पता नहीं है। तो जब वो व्लॉग देखेगा तभी उसको पता चलेगा, उसके कपड़े यहीं पड़े थे तो मेरे को अच्छी लग रही थी तो मैंने पहन ली। ठीक है, तो अभी मिकी का फोन आया था कि प्लीज यार बहुत टाइम हो गया नूडल्स खाए हुए, नूडल्स बना दो। तो बस मैं सोच रही हूँ घर पे नूडल्स बनाती हूँ, फिर नूडल्स उसके लिए यहीं से लेके जाते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं मिकी के घर पे। तो भाई पानी चढ़ा दिया है, अब इसमें गए नूडल्स। तुम तीखे बनाती है कि नॉर्मल मीडियम? मैं बनाती हूँ तीखे, स्पाइसी, जो कानों से। तो यार मिक्की तो खाता ही नहीं तीखा। मिक्की ये खा लेता है। क्यों होता? मिक्की नूडल्स तीखे खा लेता है, नूडल्स में उसका था तीखा बनाना, बाकी उसको खाना बोला तीखा तो नहीं खाता। अच्छा, नूडल्स खा लेता है। ये बता ऐसे देखने में कैसे लग रहे हैं? वो जो स्कूल में चौक नहीं आती थी, चौक है ना, वैसे चौक जैसे लग रहे हैं एकदम। ऐसे ये ब्लर ब्लर क्या हो रहा है यार, फोकस नहीं पकड़ रहा। ये देखो, ये देखो, फ्रिज में सामान निकाला, फ्रिज ऐसे ही खुला छोड़ गई है, देख रहे हो? अरे भूल गया बाबा, भूल गया। ये ऐसे काम कर रही है तू, तभी तेरे फ्रिज खराब हो रहे जल्दी जल्दी। मेरा फ्रिज खराब नहीं है भाई। तो फिर बोल रहा मेरा फ्रिज खराब है? खराब हो जाएंगे जल्दी जल्दी इस तरीके से। हो जाएंगे? एक ही फ्रिज है मेरे पास। तू एक चीज बता कि तू मतलब समझदार है, कितना अपने को सोचती है कि समझदार हूँ या कैसे क्या? तो सभी सोचते हैं अपने आप को, कौन सोचता है समझदार? तेरी समझदारी के लिए टेस्ट भी तो होना चाहिए ना कोई। देख, आंखें हैं पर अंधी हूँ, कान है पर बहरी हूँ, मुंह है पर गूंगी हूँ, बताओ कौन हूँ? हाँ, अब पता चलेगा तेरी समझदारी की, समझदार है कि खाली। कान है पर बहरी हूँ, आंखें हैं पर अंधी हूँ, और मुंह है पर मैं गूंगी हूँ, बता क्या है? बता, इतना टाइम थोड़ी है भैया, कल पनवेल की ट्रेन पकड़नी है। दीवारें? दीवार की आंख होती है? कान के कान होते हैं। होते हैं, देखे तूने? नहीं, बोला जाता है। कहावत नहीं भाई, रियल में बोल रहा हूँ। हाँ, आंखें होती है पर अंधी हूँ, कान है पर बहरी हूँ, और मुंह है पर गूंगी हूँ, बताओ। नहीं पता? आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता पाए ना तो कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा मैं। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले नीचे कमेंट ना पढ़ लो, किसी को अपना बताओ, अभी बताना। ना ना, कल, अब कल के ब्लॉग। इतनी बड़ी मिर्ची? हाँ, ये हरी मिर्ची मेरे को पसंद है, बड़ी है। बाप रे, ये मतलब तीखी होती है कि खाली साइज में इतनी बड़ी है? ये साइज में इतनी बड़ी है। अच्छा, मतलब वैसे ये तीखी नहीं होती, जो लोग मतलब तीखा नहीं खाते उनके लिए मिर्ची दिखने के, मतलब ये दिखने के लिए मिर्ची खा रहे हैं उनके लिए है ये। लेकिन ये टेस्ट भी अच्छा है, इनका टेस्ट अलग होता है। अच्छा, अलग टेस्ट होता है दुकान का, अच्छी होती है। एक चीज बता, फयाज तो आज है नहीं, तो ये फ्रूट्स कौन इतना काटा वाटा आज? अरे ये एक्चुअली मेरे सेकंड फ्लोर पे एक फैमिली रहती है, तो वहाँ पे एक गुड़िया रहती है, तो वो भैया भैया बोलती है फयाज को भी, आरफ को भी। हाँ। तो वो पूछ रही थी फयाज भैया का रोजा, मैंने कहा हाँ, मतलब तुझसे पूछा था ना उसने शायद। हाँ, हाँ। तो वो आज इफ्तारी लेके आई थी पूरी, और आज ही फयाज की किस्मत, फयाज खाई नहीं घर में, वो मैंने खाया, आरफ ने खाया है, ठीक है। आज फयाज को मिला ही नहीं, और वो इतना अच्छा अच्छा पता फ्रूट्स लेके आई थी, उसमें सारे फ्रूट्स थे, वेजिटेबल थी, ब्रेड पकौड़ा था और कबाब था, तो ब्रेड पकौड़ा तो मैंने खाया, और फालूदा भी था। हाँ, फालूदा वो मैंने पिया था। फयाज की किस्मत, फयाज को खाली नाम सुनाई देंगे व्लॉग में। हाँ, फयाज फालूदा भी आया था, ब्रेड पकौड़ा भी था, कबाब भी था, कबाब तो रखा है फयाज के। हाँ। बाकी फालूदा भी गया आरव। बहुत बढ़िया करा आरव ने, तो थैंक यू सो मच। और वो बोल रहे थे मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ। हाँ, सही है, थैंक यू। तो अगर तुम गूंज का व्लॉग देखती हो तो कभी भी कुछ मीठा बने तो ऊपर पहुंचा देना गूंज के, वहां मैं आके खा लूंगा। ये देखो, इसको काम में ध्यान नहीं है, गिरा दिया इधर, काम में तो बातों में लगा रहा है। मेन चीज बेचारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी घर में मीठा बने तो प्लीज ऊपर पहुंचा दीजिए ताकि मैं आके खा लूं। अच्छा, ठीक है। और मेरे लिए तीखा, हमें मीठा नहीं खाती। लालची हो गई है यार, इनको जरा सा क्या बोला, हम आपका व्लॉग देखते हैं, ये तो बताओ फरमाइश करने लगे। मजा आ गया, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो रोड साइड में बनाती नहीं है। मैंने कढ़ाई भेजी है ना आज, सनराइज में नूडल्स, लोहे की कढ़ाई। हां,
एक तो क्या बड़ी कढ़ाई है ना, तो खाना बाहर करने का टेंशन नहीं, तो जितना मर्जी करके घुमाओ अच्छे से। हाँ, लोहे की कढ़ाई में लेकिन पता है बहुत टेस्ट आता है। बहुत टेस्ट आता है, हर चीज का टेस्ट आता है। तो गाइस नूडल्स हो चुकी है रेडी और मैंने पैक कर ली है, बस चलते हैं फटाफट से। आरव आ जा, आरव को ना थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो सीधे मूवी देखने बैठ जाता है। देख ली महारानी? महारानी तो इसने कब की खत्म की। आई वाज वाचिंग महारानी। महारानी अच्छी मूवी थी, फर्स्ट एंड सेकंड सीजन बहुत अच्छा था, थर्ड सीजन बहुत स्लो था। तो गाइज मूवी आई है वीर सावरकर दिलीप हुड्डा की और बहुत ही अच्छे रिव्यू आ रहे हैं उसके, तो मैंने सोचा मैं वो मूवी जाके देखूंगी थिएटर में। थिएटर में चलेंगे आरव? तो मैंने सोचा है कल देखते हैं, अगर कल टाइम लगा तो हम पक्का वो मूवी जाकर देखेंगे। पिंक कलर के जूते किसके हैं? ये तो आई है। ये पिंक कलर के जूते वाला कौन आया हमारे दोस्त के वहाँ? अरे बधाई हो, वापस आ गए। पिंक कलर के जूते वाला कौन आया है? पिंक कलर के जूते वाला कौन आया है? वो तो वही जाने। वेरी गुड। तुम्हारी जिंदगी गुलाबी हो चुकी है, मतलब तुम जयपुर जाने वाले हो क्या? जयपुर यही आ रहा है। अच्छा, जयपुर यही आ रहा है। तुमने जयपुर यही बना रखा है? जयपुर यही पूरा माहौल गुलाबी हो रहा है, पूरा गुलाबी माहौल। भैया इधर हो गई है रेडी और ये देखो ये लाइट है कि लाइट की बाल्टी है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा बल्ब है, इसमें दो आदमियों के सर आ जाएंगे। हाँ, कृपा ने एक दिन मिक्की से बोला मेरे लिए चांद तोड़ ला, उसने चांद घर पे लगा दिया। फिर तारे बोला था उसने, चांद उसने बोला चांद तोड़ के लाओ, तो कृपा को थोड़ी पता था। कृपा पे लास्ट वाले डायलॉग पे, लास्ट वाले डायलॉग पे ध्यान दो, ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन पे मैंने ज़ूम किया था। बहुत अच्छा है और आप आइए, हमारी दुकान है 402 में, 402 राज रेजिडेंसी में, गूंज के हाथों के नूडल्स जबरदस्त गर्मा गर्म खाइए और जिंदगी खुशहाल। तो गाइज हमने नूडल्स खा लिए मिक्की के घर पे, थोड़ी देर कार्ड्स खेले और उसके बाद मुझे एडिट भी करना था तो मैं जल्दी घर आ गई। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए गुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूले गुंज वेव। थैंक यू सो मच, टाटा।